वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में हमने कहाँ पे ट्रेड किया। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर ले रहा हूँ। निफ्टी में गाइस यहाँ पे मॉर्निंग के समय पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुआ है और इसके बाद ऊपर का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया हुआ है और वहाँ से ये कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे गाइस नीचे आया है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मैंने जो ट्रेड लाइन मार्क किया है ये मैं सुबह के समय ही अपने सुबह स्टॉक इंस्टाग्राम चैनल पर पोस्ट डाल देता हूँ गाइस, वहाँ से आप अपने ट्रेड लाइन को मार्क कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे ये मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ पे हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे वेट किया है और ये हम लोग ने एक फिबोनाची सेटअप यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे ये ओवर किया गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है फिर हमने एक पोजीशन बनाया और ऐसा हम लोग ने यहाँ पे सेट किया और टारगेट जो गाइस ये इसका अपना पिछला जो जहाँ पे सपोर्ट इसने अपना बनाया हुआ था गाइस, यहाँ तक हम लोग ने इसको टारगेट को यहाँ पे फिक्स किया और यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे डन हुआ गाइस। फिबोनाची सेटअप का मैं आपको रूल बता दूँ गाइस कि इसका रूल है कि जब भी अगर मार्केट ऊपर से अगर कहीं नीचे आ रहा है तो नीचे के लेवल पे एक आके 50% लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करके नीचे के समय अगर एक यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो हम नीचे के साइड में एक पोजीशन बना सकते हैं। सेम अगर गाइस ये नीचे के लेवल से आके ऊपर की ओर जाता है और ऊपर 50 लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट करके एक अच्छा ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे कॉल के साइड यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में गाइस यहाँ पे हम लोग का एक फिबोनाची सेटअप पे ट्रेड बना हुआ था और उसके बाद मार्केट काफ़ी डाउन फॉल किया है। अब जिसने भी यहाँ पे गाइस अगर ट्रेल किया होगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इसको टारगेट मिला होगा और जो ट्रेलिंग है गाइस ये इसके पिछले जो लास्ट इसका यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट था गाइस वहाँ तक इसने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे डन किया गाइस। उसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गाइस अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फिबोनाची सेटअप भी यहाँ पे रूल वो हुआ है और एक बेरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है गाइस। बेरिश फ्लैग पैटर्न भी ऐसे ही क्रिएट करता है गाइस, जब भी करता है तो ऊपर के लेवल से आया हुआ है और एक फ्लैग पैटर्न पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया है और हमारा जो टारगेट था वो गाइस यहाँ पे कहीं था और उसके बाद इसने फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है जो सपोर्ट लेवल था गाइस यहाँ पे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा जो टारगेट था गाइस ये था और इस लेवल तक यहाँ पे आया गाइस बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न, जैसे कि अगर हम फ्लैग पैटर्न देखते हैं तो फ्लैग पैटर्न में कभी भी गाइस नीचे के लेवल से मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर के लेवल पे ये कंसोलिडेट करता है और देन एक ब्रेकआउट देता है, ये होता है इसका फ्लैग पैटर्न। अब बेरिश फ्लैग पैटर्न गाइस अगर हम देखते हैं तो जो आज इसने क्रिएट किया है, आज इसने जो क्रिएट किया ऊपर के लेवल से आया हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है और एक अच्छा फॉल किया गाइस, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्रिएट किया है गाइस। मार्केट आज ऊपर के लेवल से कंटिन्यू फॉल किया हुआ है गाइस यहाँ पे और एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आया है। अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 741 पॉइंट का यानी 1% के नीचे यहाँ तक आज की गिरावट हुई है गाइस इसमें मार्केट में। ये एक बड़ा फॉल होता है कभी भी मार्केट में, 1% के ऊपर फॉल करता है लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ये आए दिन 1% तक फॉल करते हैं गाइस। अब देख लेते हैं फिर निफ्टी, फिर निफ्टी की बात करते हैं गाइस। तो इसने भी सेम जैसे बैंक निफ्टी में परफॉर्म किया है सेम इसमें भी वैसे ही परफॉर्म किया हुआ है। अगर मैं इसमें एक फिबोनाची सेटअप यहाँ पे अप्लाई करता हूँ गाइस तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये गाइस होता है इसका फिबोनाची सेटअप और सेम इसने वैसे ही किया है, ऊपर के लेवल से आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और उसके बाद यहाँ तक का एक टारगेट बन रहा था गाइस। तो इसमें भी एक अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है गाइस और फिबोनाची सेटअप का अगर मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ, ये एंट्री पॉइंट था गाइस और ये एग्जिट पॉइंट और ये इसका टारगेट था गाइस।
तो मार्केट कहीं ना कहीं पूरा बेरिश किया हुआ है गाइस, तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिला हुआ है। और इसमें भी एक फिबोनाची सेटअप और बैंक निफ्टी में भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न, और निफ्टी में भी फिबोनाची सेटअप से एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया गया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, चलते हैं फिर।